की जनता समझ चुकी है कि देश का भविष्य एनडीए के हाथों में ही सुरक्षित है। अब झारखंड की जनता को भी आप धीरे धीरे समझ में आ गई है। अगर इस राज्य को लूट से बचाना है, इस राज्य को भ्रष्टाचार से बचाना है, इस राज्य के लोगों को जीवन सुरक्षित करना है, तो फिर एनडीए ही एकमात्र विकल्प है और ये आप सब दिख नहीं रहा है। ठीक है, देश भर में बीजेपी को लूट मिल रही है। अरे वही मैं बता रहा ना कि अब देश की जनता समझ चुकी है कि अब देश एनडीए के हाथों में ही सुरक्षित। पिछले चार उपचुनाव में नहीं समझा पाए थे क्या? देखिए, चार उपचुनाव जल्दी जल्दी था, लोगों को समझने में लगता है ना समय भाई। अब धीरे धीरे आप समझ में आ रहा है। सर क्या लगता है आपको, कितने वोटों से जीत होगी रामगढ़? अभी देखो, अभी तो काउंटिंग हो ही रहा है। वहाँ पर बहुत प्रचार प्रचार किए थे सर, आपको तो देखिए बहुत नहीं, जितना हमको करना तो उतना हमने किया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 30,000 से तो अधिक ही होगा, 34,000 से तो अभी हम देख रहे थे शायद। सर तो ये भविष्य की जो राजनीति है, उस पर क्या असर डालेगा ये नतीजा? देखिए भविष्य की मैंने कहा, यार शुरू में ही मैंने कहा कि आप प्रदेश की जनता भी इस बात को समझ चुकी है, राज्य एनडीए के हाथों ही सुरक्षित हो सकता है। जो राज्य की समस्या है जैसे भ्रष्टाचार, एनडीए ही समाप्त कर सकती है। राज्य में अमन चैन एनडीए ही ला सकती है, विकास का काम एनडीए ही कर सकते हैं। ये इन अब तो 3 वर्ष से अधिक हो गया, आप लोगों को समझ में अब आने लगा। सर 32 का खतियान नहीं चला क्या सर? देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई सरकार जब नौटंकी करती है, मामले को इधर से उधर क्या बोलते हैं उसको ठेलती रहती है, तो फिर जनता को अब युवाओं को कितना अब ठगिएगा। लोग समझ रहे हैं भाई, जो काम राज्य सरकार को करना है राज्य में करना है। स्थानीय और नियोजन नीति राज्य में राज्य सरकार को बनाने का अधिकार है, केंद्र में होता है केंद्र सरकार को बनाने का। तो राज्य सरकार अपना दायित्व से भाग रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।